अब बात करेंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंतखाबात के हवाले से। प्याज फाउंडर्स अलायंस के रहनुमाओं की शाह आलम मार्केट में इंतखाबी मुहिम, शाह आलम मार्केट के ताजर रहनुमाओं की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ए क्यू मदनी से। जी ए क्यू मदनी, इंतखाबात जो हैं वो इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है और चैम्बर के बरसर इक्तदार ग्रुप प्या फाउंडर अलायंस की जानिब से आज जो है वो शाह आलम मार्किट का रुख किया गया, जहां पे प्या फाउंडर अलायंस के उम्मीदवारों और कायदीन ने जो है वो यहां पर ताजरों से मुलाकात की। अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से पूछते हैं, जी आप बताइएगा कि चैम्बर इंतखाबात की गहमा गहमी हर तरफ है और किस तरह देखते हैं कि प्या फाउंडर अलायंस जो है उसकी कामयाबी में, लाहौर चैम्बर की कामयाबी में किस तरह जो है वो अंजुमन ताजरान अपना किरदार अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने देखा हमेशा की तरह इस साल भी लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में अंजुमन ताजरान ने और इनके साथ पास पीड़ा ने भरपूर जो है इसमें हिस्सा लिया और हमने ये यकीन दिलाया क़यादत को कि इंशाल्लाह प्या फाउंडर अलायंस पहले से ज़्यादा भारी अक्सरियत से जीतेगा और पहले भी प्या फाउंडर अलायंस जीता है अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह के फजल से इस साल भी पहले से ज़्यादा अक्सरियत से जीतेगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि ना सिर्फ शाह आलम मार्केट बल्कि लाहौर के ताजर जो हैं प्या फाउंडर अलायंस की कामयाबी के लिए अपना भरपूर जो है वो जो है उन्हें वोट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। उनका ये भी कहना था कि प्या फाउंडर अलायंस जो है इस बार भी चैम्बर इंतखाबात में कामयाब होगा और भरपूर वोटों के साथ कामयाब होगा और ताजरों से इन्होंने अपील की कि बर वक्त आएँ और इलेक्शन डे पर जो है वो प्या फाउंडर की कामयाबी के लिए जो है वो अपने वोट कास्ट करें। जी बहुत